अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बात, आपने फेयर ग्रेड इंडेक्स को समझना होगा, और दूसरी बात यह कि हाउ इट्स हेल्प, किस तरह आपको मदद दे सकती है, किस चीज़ में। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ही आपको हेल्प किस तरह दे सकती है, तो मैं सिर्फ कोशिश करूंगा। पिछले वीडियो आप मेरी देख ले, उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने डिस्कस की है कि आप किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में जब आप इन होते हो तो हर एक मार्केट में, जैसे भी मार्केट हो, उसका एक स्ट्रेटेजी होता है। आपको एक सिचुएशन को देखते हुए आपने मार्केट में इन होना है, और उसी स्ट्रेटेजी को, उसी टूल्स को, उसी एनालिसिस को करके आपने मार्केट से अपने आप को निकालना होगा। लेकिन यहाँ पे जो जो फेयर ग्रेड इंडेक्स है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिफरेंट जगहों से एनालिसिस करके आपको बताता है कि अब आपकी जो मार्केट में इन होने की रेशियो या मार्केट से अपने आप को निकालने की रेशियो, वो क्या है, क्या क्या रेशियो है, और किस रेशियो पे आप इस मार्केट में इन हो सकते हैं, और इस रेशियो से आप मार्केट से बाहर जा सकते हैं। खैर, वो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो टेक्निकल एनालिसिस और वो टूल्स इस्तेमाल करके आप, वो ज़रूरी है, आप तो वो करेंगे, लेकिन साथ में ये भी एक है जो कि आप उसको देखते हुए आप मार्केट की सिचुएशन को आप देख सकते हैं। मार्केट किस टाइम आपको, आपसे देखिए, मैंने एक चीज आपको बताई थी इससे पहले वीडियो में भी, कि जब आप मार्केट को या किसी भी एप्लीकेशन का इंटरफेस देखते हैं, तो वो इंटरफेस आपके साथ कम्युनिकेशन करता है, आपके साथ वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो हेडर होते हैं। अब उसकी बताने का जो 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 जो, जो तरीका है, वो खुफिया है। आपने उसको समझना होगा कि ये इस वक्त मुझसे किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं या क्या मुझे मैसेज देना चाहते हैं। तो फेयर ग्रेड इंडेक्स भी उसी में से एक है। जिस तरह हमने प्रीवियस जो वीडियोस मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह डेथ क्रॉस के बाद आप मार्केट में इन होंगे। डेथ क्रॉस किस टाइम होता है, किन सिचुएशन को देखते हुए डेथ क्रॉस की प्रोबेबिलिटी या इसकी जो चांसेस है वो इंक्रीज होते हैं। इंक्रीमेंटेशन किस टाइम आ जाती है कि मार्केट अब यहाँ पे डेथ क्रॉस करेगा, और डेथ क्रॉस करने के बाद मुझे मार्केट में इन होना है। फेयर ग्रेड इंडेक्स उसी उसी किस्म का एक इंडेक्स है, कि जिस तरह आप डेथ क्रॉस होता है, इस तरह आप फेयर ग्रेड इंडेक्स को भी मद्देनजर रखते हुए आपने दोनों को साथ, देखिए, टेक्निकल एनालिसिस, टूल्स का इस्तेमाल, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब कुछ तो आपने करने होंगे। आप जब जब भी आप ग्राफ को देखते हैं, या आप मार्केट में इन होना चाहते हैं या आउट होना चाहते हैं, तो आप ये टूल्स, ये एनालिसिस, ये डेथ क्रॉस, ये लिमिट्स, ये सब कुछ आपने इसको देखना होगा। आपने प्रीवियस हफ्ते का जो रिकॉर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए आपने मार्केट में जाना और उससे निकलना है। लेकिन यहाँ पे एक जो जो मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, फेयर ग्रेड इंडेक्स आपको ये बताएगा कि मैं, खैर, अभी इस वीडियो में मैं आपको साइड पे दिखा दूंगा कि ये असल में कहाँ पे है, और इसका जो लिंक होगा आप कहाँ से ये देख सकते हैं, वो भी मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एनालिसिस में या टूल्स की यूज करने से, ये भी एक टूल्स में आता है, ये एक एनालिसिस में आता है कि आप इसको भी देखकर अपने फैसले ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग जो कि मिस्टेक कर लेते हैं, वो एक ही टूल्स को यूज करके या एक ही टूल्स को समझ कर, फॉर एग्जाम्पल डेथ क्रॉस पे मैंने आपको बताया था, जब डेथ क्रॉस होता है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए आप जब देखें, तो डेथ क्रॉस होने के बाद मार्केट अगर 100% वापस अपनी जगह पर नहीं पहुंचती, तो 50% वो जरूर पहुंच जाता है। सिर्फ इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब ज्यादातर दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आया मैं सिर्फ डेथ क्रॉस को देखकर, या मैं सिर्फ एक टूल्स को, स्पेसिफिक टूल्स को देखकर, या मैं मार्केट की किसी स्पेसिफिक चीज को देखकर, जिस तरह जो कि बिटकॉइन के बारे में जो ट्वीट्स चले थे, उसको देखकर मैं मार्केट में इन और आउट हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आज इन्वेस्ट करनी है, तो मुझे सिर्फ डेथ क्रॉस के बेस पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा कभी मत करना। हाँ, एक दिन, 2 दिन, महीना, साल, आपका लक चल जाएगा, लेकिन ये हर टाइम नहीं होता कि जब डेथ क्रॉस होती है तो उसके बाद 100% नहीं तो 50% मार्केट ऊपर चली जाती है। नहीं, आपने सारे टूल्स को, सारे एनालिसिस को, सारे प्रीवियस रिकॉर्ड को, उसके डेटा को, उसको समझना चाहिए, उसको उस पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ, ये जो सिचुएशन है, मुझे अब इस टाइम मार्केट में अंदर जाना है या मार्केट से बाहर निकलना है। अच्छा, फेयर ग्रेड इंडेक्स जो है, असल में ये आपको, मैं आपको ये साइट पे दिखा दूंगा, बेट में, यहाँ पे भी अपने सिस्टम में ये खोल दूंगा,
तो ये आपको वो साइट पे भी आपको नजर आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन किन चीजों को देखना alternative.me। अच्छा, इसका नाम जो है alternative.me, जब जैसे आप इस पे लिंक करेंगे तो आपको पहला जो लिंक मिल जाएगा वहां पे आपने, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। आप उस पे क्लिक करके आप आसानी के साथ, अब देखिए ये जो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ना, अभी जो मार्केट चल रही है वो ग्रेड पे है। देखिए मार्केट अब हाई है, अब आपने इन्वेस्ट नहीं करना। ये आपको ये बता रहे हैं कि ये जो इंडिकेटर नजर आ रहा है जो कि इस तरह का है, वो आपको ये बता रहा है कि मार्केट कब न्यूट्रल होगी, कब ये गुड होगी, कब ये ऊपर होगी, कब ये नीचे होगी, किस सिचुएशन पे ये होगी, तो आपको इन्वेस्ट। देखिए इसका मैं आपको यूज बता देता हूँ। अगर 50 से मार्केट कम है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट की जो इंडिकेटर्स की जो 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 सुई है वो नीचे आके यहाँ पे 30 पे रुक गई, तो यहाँ पे आपने मार्केट में इन होना है। अब 30 पे रुक गई, अगर मार्केट वापस 50 पे नहीं जाती तो कम से कम 45 40 तक तो वो जरूर जाएगी। तो इस चीज को देखकर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये जो टाइम है 50 पे ये न्यूट्रल होता है, 50 पे ना मार्केट ऊपर होती है ना नीचे होती है। ये प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर ये आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस जो चल रहा था उसी लिहाज से आज का जो मार्केट है वो न्यूट्रल है। कब ये गुड होगी, कब ये ग्रेड, कब ये ऊपर जाएगी, कब ये नीचे जाएगी, ये सोशल मीडिया से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे आपको अगर इसके जो लिंक मैंने दिए हैं आप उसके नीचे आ जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से ये अपने डेटा को कलेक्ट करता है, डिफरेंट जगह से डेटा को कलेक्ट करता है, और ये जो 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 इसका जो सुई है वो उस लिहाज से एडजस्ट होती है। सही है। अब जो मार्केट है वो ग्रेड 60 पे, अब 60 पे, 60 का मतलब ये कि अब ऊपर गई है, ऊपर गई है मतलब अभी टाइम नहीं है। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी होगी कि जब भी मार्केट, जब लोग देखिए एक चीज आपने इस पे जरा गौर करना चाहिए, जब लोग मार्केट से आउट होते हैं, याद रखिएगा मार्केट से जब लोग आउट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पैसा निकाल रहा हूँ या मेरे दोस्त पैसे निकाल रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा मार्केट के अंदर चलते हैं, लेकिन जब लोग अंदर चलते हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाहर निकलते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपने इस्तेमाल करनी है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी जो जो है ग्रेड चूंकि 60 पे है तो ये अब 50 पे जब आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब मार्केट में इन होने की सिचुएशन नहीं है, आप मार्केट में कभी भी इन नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ ऊपर की तरफ है, मतलब जो करेंसी आपको दी जाएगी वो हाई पे है, जो आपकी जो आपको लेनी कब है, जब 50 से कम हो, अब वो हो सकता है। अब एनालिसिस करनी होगी आपने, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके आपने देखना होगा कि मार्केट जब 50 से कम है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट 30 पे है, तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट है कि आप जाके इन्वेस्ट कर ले। 30 के बाद मार्केट ऊपर न्यूट्रल, 50 पे आएगी, तो 50 पे आएगी तो कुछ ना कुछ आपको फायदा भी होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जब ऊपर जाएगी, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर 50 से कम है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस तरह भी नहीं कि 49 पे है और आप इन्वेस्ट कर दे, तो नहीं, 50 से कम है, कम मतलब ज्यादा कम, अगर 50 से ज्यादा है तो आप पैसे को, आपके पास जो करेंसी है उसको आप सेल आउट कर दें। सही है। तो ये फेयर ग्रेड इंडेक्स था जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से जितनी भी हो सके मैंने खुद इस पर रिसर्च करके आपको बता दिया। अब चूंकि मार्केट 60 पे तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे ही मार्केट 50 से नीचे आ जाए, 40 30 35 पे आ जाती है, तो आपने उस टाइम इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब लोग मार्केट से निकल रहे होते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है, जब लोग पैसा निकालते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा जब मार्केट नीचे आ जाती है तो वो हमेशा इन होते हैं। तो आपने जब मार्केट नीचे आ जाती है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, आपने इन करना होगा, आपने पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। तो आपने तो जिस टाइम लोग निकाल रहे थे पैसा उस टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। और ये फेयर ग्रेड इंडेक्स था जो कि एक दोस्त ने पूछा था, तो मैंने कहा इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।